आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आपका थर्ड सेमेस्टर सबका फिनिश हो चुका है MJP रोड यूनिवर्सिटी का, और आपका फोर्थ सेमेस्टर आने वाला है, तो उसकी तैयारी करते हैं यहाँ से शुरू। तो आज के स्टार्टिंग में जो आपका वीडियो है फोर्थ सेमेस्टर का, सबसे पहला वीडियो आपका जो है वो इंग्लिश लिटरेचर का है। इंग्लिश लिटरेचर में आपका सेमेस्टर फोर जो है, इसका हम आज सिलेबस कवर करेंगे। और ये सिलेबस आपका बिल्कुल ही पूर्ण होगा, कम्प्लीटली फुल डिटेल के साथ चर्चा करेंगे इसमें कि क्या क्या हमारा इंग्लिश में आएगा और किस किस तरीके से पेपर आएगा, वो सब कुछ इसी वीडियो में देखेंगे। और साथ ही जिसका सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है अब नेक्स्ट टाइम होने वाला है, तो सेकेंड सेमेस्टर वाले भी आप लोग, जिस तरीके से आप लोगों ने बोर्ड के माध्यम से बताया है कि इंग्लिश लिटरेचर सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए बोर्ड ज़्यादा किया है, तो कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए भी बहुत शुरू जल्दी शुरू होगा सेकेंड सेमेस्टर के लिए। प्ले स्टोर अपलोडेड है, आप बना के वेट कर सकते हैं, प्ले स्टोर ओपन करके वीडियो भी देख सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर के लिए अधिक लोगों को जोड़ें चैनल पर, और वीडियो कम्युनिटी पेज को आप शेयर करें। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उससे रिलेटेड जो हैं हमारे सब्जेक्ट जितने भी, इंग्लिश है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, आपका एजुकेशन है, ये सारे जो प्ले स्टोर पर वीडियो अपलोडेड हैं, ये सभी वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप उन्हें ज़रूर विजिट करें, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर है उसका पेपर क्या होगा, कैसे हम इसको कवर करेंगे, क्या क्या आएगा कि, और कितनी यूनिट्स इसमें हैं, उन सब का हम आज डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करते हैं आप लोग तो वहाँ से हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा 5 लोगों तक। और सबसे पहले इंग्लिश ही स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में जो हम अभी तक आपको बताया है, तो सब लगभग सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकेंड सेमेस्टर के लिए, वहाँ देखिए जाके। और फिर भी आपका जो क्वेश्चन है माइनर और मेजर, इसके दृष्टि से भी एक वीडियो बनाएंगे हम, मेजर माइनर का पूरा कॉन्सेप्ट है कि वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि मेजर और माइनर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड भी है, पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसमें इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, सभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए पेपर है, ये सिलेबस है आपका। पेपर का नाम हमारा है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। जो इंडियन लिटरेचर हमारा है, भारतीय साहित्य, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया है, ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। तो ये हमारे पेपर का नाम है, इसी नाम से हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर होगा उसका पेपर आएगा। यूनिट्स देख लीजिए, कम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू 8 यूनिट्स, ये कम्प्लीटली रूप से जो है 8 यूनिट्स में डिवाइड है, यानी इसमें 8 यूनिट आपके हैं जो आपको पढ़ना है। तो देखते हैं बारी बारी से, पहले देखते हैं हम फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन का इंट्रोडक्शन, ये फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है इसी में पढ़ना क्या है, यानी कि जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशन है इसमें पढ़ना में क्या क्या है, ये ब्रीफली हिस्ट्री पढ़नी है इसकी, सिग्निफिकेंस पढ़ना है ऑफ ट्रांसलेशन, इन्हें मल्टी लैंग्वेजिस्टिक एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी इसके बारे में पढ़ना है। और आगे देखते हैं अभी इसमें कुछ पॉइंट हैं, तो फिर दिया है लिटरल ट्रांसलेशन बैरियस सॉरी वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन, इन्हीं के लिटरल ट्रांसलेशन, इन्हीं जो साहित्य का जो ट्रांसलेशन होता है वो पढ़ेंगे, साथ ही वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन, इन्हीं इनमें क्या क्या, इनमें दोनों में क्या अंतर है, ये भी हम इसी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में। किस में, यूनिट फर्स्ट हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशन का। अब देखते हैं यूनिट सेकेंड, यूनिट सेकेंड हमारी है, लिखा हुआ है क्या, यूजिंग ऑफ टूल्स, यूजिंग ऑफ टूल्स टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन के लिए हम जो टूल्स यूज़ करते हैं, जो तकनीक यूज़ करते हैं, कौन कौन सी तकनीक यूज़ करते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं,
टूल्स कहते हैं यंत्र के लिए, ठीक है, जो हमारे मशीनी यंत्र होते हैं, ठीक है, जैसे एलन की चाबी होती है, गोटी होती हैं। तो इसमें हमारा क्या क्या है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर और ट्रांसलेटिंग डिफरेंट अन्य भी तरीके से, कई डिफरेंट तरीके से हम ट्रांसलेशन एप्लीकेशन यूज करते हैं, जिसमें आपका आता है काइंड्स ऑफ टेक्स्ट, किस तरीके से हम टेक्स्ट का यूज करते हैं, विद डिफरेंटिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें डिफरेंट यूज़ करते हैं, जैसे कोई चीज़ हम लिखते हैं एप्लीकेशन में, टाइप करते हैं, तो उसमें आता है ए बी टेक्स्ट, तो जो टेक्स्ट हम जिस तरीके के से चाहेंगे वैसा हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कर्सिव चाहिए आपको कर्सिव आ जाएगा, कैपिटल चाहिए कैपिटल आ जाएगा, ठीक है, स्मॉल लेटर चाहिए स्मॉल लेटर में आप क्लिक कर देंगे वो आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम यूज़ करते हैं। अगला हमारा इसी में यूनिट है, वो है यूनिट 3 फिक्शन। फिक्शन भी एक प्रकार से स्टोरी होती है, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें यूनिट जो 3rd है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, थोड़ा इसमें डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि इस तरीके से मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बताया था लिटरेचर का, तो और से आपका 3rd सेमेस्टर का बताया था, उसको भी आप देखे होंगे। अब देखते हैं हम 4th सेमेस्टर का सिलेबस आपका है, इसके बाद में हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी यूज करें शुरू करेंगे, जो कि आपको चैनल पर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट हमारा है वो ये है, रविन्द्रनाथ टैगोर द होम एंड द वर्ल्ड, ये एक रचना है, ठीक है। ट्रांसलेट किसने किया है इसको, सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का कलेक्शन है द होम एंड द वर्ल्ड, ये आर्टिकल है इनका, ठीक है, इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। इसको आपको पढ़ना है, अगर इसको आप नहीं पढ़ना चाह रहे हैं मतलब क्वेश्चन आपका इससे आएगा, और एक क्वेश्चन नीचे से ये जो नीचे दिया हुआ है इसमें भी आएगा, तो इसमें से आपको किसी दोनों में से एक का करना है, ठीक है, ओ आर दिया हुआ है। अथवा फिर है अमृता पुराटिन, इनका एक कलेक्शन है, आर्टिकल है पिंजर, ठीक है, द स्केल्टन एंड द अदर स्टोरीज, कुछ और भी कहानियाँ अन्य होंगी ट्रांसलेटेड, जो कि ट्रांसलेटेड की गई हैं खुशवंत सिंह के द्वारा, ठीक है। तो जो अमृता पुरीतन का जो पिंजर का आर्टिकल है उसका ट्रांसलेट किया गया है खुशवंत सिंह के द्वारा, ठीक है। तो पिंजर नाम की एक मूवी आई थी, अगर आप उसको एक बार देखेंगे तो पिंजर नाम का जो आर्टिकल है इनका अमृता पुरीतन का, तो वो आपके लिए और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इसी बेस पर जो पिंजर मूवी बनी थी वो इसी बेस पर बनी, इसी का मतलब उसमें बैकग्राउंड था। तो खुशवंत सिंह का दिया ट्रांसलेट किया गया है, क्या है, न्यू दिल्ली तारा प्रेस, ये 2009 में इसका पब्लिकेशन होता है, ठीक है। अगला देखते हैं यूनिट फोर जो है वो आपका ये कहता है, कबीर द इंग्लिश राइटिंग ऑफ आर एंड टैगोर इन 1944 वॉल्यूम। देखिए जो कबीर जो आर्टिकल है द इंग्लिश राइटिंग ऑफ आर एंड टैगोर का, तो इसमें वॉल्यूम 1, 2 फिर आपका 8 है, 12 है, 53 है एंड 69, ये वॉल्यूम है जो आपको पढ़ने होंगे यूनिट 4 में। अगर आप इन्हें इनके संबंधित क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन दिया हुआ क्या, जयशंकर प्रसाद आंसू, जयशंकर प्रसाद की जो रचना है आंसू आर्टिकल वो आपको पढ़ना है। उसमें क्या है, मतलब कि द गार्डन ऑफ लोनलीनेस, मतलब अकेलेपन का बगीचा, ये इसका अर्थ हुआ। तो ये किसके लिखा है, थॉमस चार्ल्स एस जे वाइट, इनके द्वारा लिखा गया है, ट्रांसलेट किया गया है। फिर इसी में ये आप कहाँ से ले सकते हैं, दिल्ली से मोतीलाल बनारसी दास 2006। अब देखते हैं हम यूनिट फाइव शॉर्ट फिक्शन, इन्हें फिक्शन मीन्स वो भी कहानियाँ थी, शॉर्ट फिक्शन ये शॉर्ट में रहती हैं, शॉर्ट स्टोरी ज़्यादा तरीके से होती हैं, तो वो आ गई हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुँच जाए और आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए इंग्लिश में, जो चीज़ पीछे छूटी है वो इस सेमेस्टर में ना छूटे।
भीष्म साहनी ये एक राइटर हैं, इनका है आर्टिकल है अमृतसर आ गया, इनके वी हैव रीच्ड अमृतसर, इसको भी कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। महाश्वेता देवी की रचना है द हंट, ठीक है, ये यूनिट 5 में है। यूनिट आपका जो सेकंड जो फोर्थ सेमेस्टर है किस बेस पर होगा, मेजर होगा माइनर होगा, तो इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और वीडियो में बने रहें अंत तक, ज़रूर इसको देखें, शेयर करना आप मत भूलिएगा जिससे और लोगों तक पहुंच जाए। और जिसका भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से कोई बिलोंग करता है तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई प्रत्येक सब्जेक्ट की, आप चैनल पर जाकर विजिट करें, ओपन करें और जो भी प्लेलिस्ट हैं उसे आप सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं। तो यूनिट 6 है, इसमें है ड्रामा यानी कि प्ले, किसका है, मोहन राकेश, एक राइटर हमारे हिंदी में हैं जिनका एक प्ले है आधे अधूरे यानी कि हाफ वे हाउस। तो ये नाटक है, इसको आपको यूनिट 6 में पढ़ना है। यूनिट 8 है, यूनिट जो 8 है आपकी, सॉरी 7 है, 6 अभी हमने देख ली। यूनिट 7 में क्या है, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस है यानी कि ट्रांसलेशन कहते हैं कि वाक्य को जब हम अनुवाद करते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन कहता है अनुवाद प्रैक्टिस अभ्यास, यानी अनुवाद का अभ्यास कैसे करेंगे आप, क्या क्या मिलेगा। तो लिखा होगा वन पैसेज फॉर ट्रांसलेशन, यानी कि एक पैसेज दिया हुआ ट्रांसलेट करने के लिए, अनुवाद करने के लिए हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी की कहानी दी होगी उसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है इसमें वन स्टेंजा फॉर ट्रांसलेटिंग इंग्लिश टू हिंदी, इसके साथ ही दूसरा इसमें नंबर दिया होगा, उसमें दिया होगा एक स्टेंजा आएगा जिसका आपको ट्रांसलेशन करना है हिंदी से इंग्लिश, यानी यहाँ तो हिंदी में दी होगी तो उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। जो सेकंड वाला हमारा वह उसमें आपका जो स्टेंजा इंग्लिश में दिया होगा उसको आपके लिए हिंदी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये यूनिट था हमारा 7। अब देखते हैं यूनिट हमारा जो 8 है वो क्या कह रहा है। यूनिट 8 में क्या है, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, सेम यूनिट है यही, लेकिन इसमें हमें करना क्या है उसे देख लेते हैं। तो ट्रांसलेटिंग ट्रांसलेशन प्रैक्टिस सेम यूनिट है जो हमारी 8 नंबर, इसमें क्या करना है वन पैसेज फॉर ट्रांसलेशन, वन पैसेज फॉर ट्रांसलेशन, इसमें भी ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक पैसेज दिया होगा इंग्लिश टू हिंदी, यानी कि पहला जो पैसेज दिया होगा वो इंग्लिश दिया होगा आपको हिंदी बनाना होगा। फिर वन स्टेंजा फॉर ट्रांसलेटिंग ये हिंदी में दिया होगा उसकी आपके लिए इंग्लिश बनानी है, ठीक है। तो इस तरीके से वीडियो हुआ कंप्लीट, तो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कीजिए जिससे निरंतर अपलोड होने वाला नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, अन्य किसी सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ में, थैंक यू।